मॉर्निंग टू एवरी वन. टुडे वेलकम टू लेक्चर नंबर 14 ऑफ सेट लेवल. आज हम लेक्चर 14 सीखेंगे सेट लेवल का. तो इसके लिए भी आपको फिर से पेज नंबर 89 ही ओपन करना है. इसमें क्या कुछ खास है देखते हैं. इसमें आपको बताया है MSR या ASMR का यूज़. अब आप देखिए कि आपने जब गेट लेवल पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था कि जो एम इज आर हैं ये बी के रूप हैं, बी के प्रेजेंट फॉर्म हैं. अब बी नहीं लिखते हुए हम एम इज आर लिख देते हैं तो इसका मतलब निकलता है हैं, हूँ, इस तरह का कुछ भी सेंस निकलता है तो वो सिंपल एक सिंपली रूप में हम कह सकते हैं कि उसका बी का फर्स्ट फॉर्म है. अब जितने भी कंटिन्यूस टेंस थे उसमें आपने ASMR यूज़ किया था ना. जैसे आप बात कीजिए कि ASMR के साथ ING यूज़ किया था तो वर्बिंग यूज़ किया था, तो वर्ब में ING जोड़ते तो वर्बिंग हो जाता है. यानी एम इज़ आर यानी ही शी इट के साथ आपने क्या यूज़ किया था, इज़ यूज़ किया था. आई के साथ एम यूज़ किया था और आई के अलावा जो भी प्लूरल बचते हैं वी यू दे उनके साथ आपने आर यूज़ किया था. तो इन सब का मतलब होता है या हूँ, इस तरह का कोई भी सेंस होता है वो इसके लिए यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पे आप देखिए कि आई के साथ यूज़ होता है एम, ही, शी, राज, माई फ्रेंड, कपिल, ये सब सिंगुलर हैं. तो सिंगुलर के साथ इज़ यूज़ होता है और इसको शॉर्ट में भी लिखते हैं. और आप देखिए कि जो प्लूरल हैं उसके साथ यू आर, दे आर, वी आर, माई फ्रेंड्स आर, राज एंड कपिल आर. देखो राज है तो इज़, कपिल है तो इज़, लेकिन राज एंड कपिल है तो आर. इसी तरह माय फ्रेंड है तो इज और माय फ्रेंड्स है तो आर. ये तो आपको कॉन्सेप्ट गेट लेवल में पूरा क्लियर कर दिया था हमने. पर उसमें क्या किया था, गेट जब हमने ASMR का यूज़ किया था MSR का, तो उसमें वर्ब में आपने ING जोड़ा था. तो वर्ब में ING कब जोड़ते हैं, जब वर्ब होती है तो आप ING जोड़ते हैं. अब इसमें वर्ब है ही नहीं. वर्ब क्या होती है, जिसके पीछे क्या आना चाहिए, ना आना चाहिए. देखो इसको देखते हैं. रिलायबल का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय. विश्वसनीय ना नहीं आ रहा है, खेलना कूदना जाना आना पीना रोना सोना, तो वो वर्ब होती है. तो विश्वसनीय वर्ब नहीं है. तो आप इनके मीनिंग लिख लीजिए. रिलायबल, आप पेंसिल रखिए, पेंसिल से उसी बुक में लिखो विश्वसनीय या भरोसेमंद. जो भरोसेमंद होता है, जो विश्वसनीय होता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं रिलायबल. फिर अगले का मीनिंग आप लिखिए हंग्री. हंग्री आप अच्छी तरह से जानते हो, हंग्री फॉक्स, थ्रस्टी क्रो, इस तरह की स्टोरी आप पढ़ते आए हैं. यू हैव बीन स्टडिंग दीज टाइप ऑफ स्टडीज. तो आप देखिए कि हंग्री का मतलब होता है भूखा. इसके पीछे भी ना नहीं आ रहा है तो वर्ब नहीं है, तो ING नहीं जोड़ सकते. थ्रस्टी का मतलब क्या होता है, लिखिए प्यासा. जिसको प्यास लगती हो प्यासा, इसके पीछे प्यासा ना नहीं होगा तो ये भी वर्ब नहीं है, इसमें भी ING नहीं जुड़ा है. वेरी टॉकेटिव, बहुत बातूनी, तो ना तो आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है, बहुत बातूनी. वेरी टॉकेटिव मतलब बहुत बात करने वाला, चैटर बॉक्स एक तरह का आप कह सकते हैं. बहुत बातूनी, बहुत ज़्यादा बात करता है, उसे हम कहते हैं वेरी टॉकेटिव. बहुत बातूनी, बहुत ज़्यादा बात करने वाला. फिर एट फॉल्ट, एट फॉल्ट मतलब गलती में, कमी में, अपराध में. आप जनरली आपके घर पे यूज़ करते हैं ना, आज तो लाइट नहीं आई, लाइट फॉल्ट हो गई है. लाइट फॉल्ट हो गई मतलब लाइट में कुछ गलती हो गई है, कुछ कमी रह गई है. तो फॉल्ट मतलब गलती, तो एट फॉल्ट यानी गलती में. क्लियर, तो लिखो इसकी हिंदी गलती में. फिर से रिपीट कर देता हूँ, रिलायबल विश्वसनीय या भरोसेमंद, हंग्री, हंग्री मतलब होता है भूखा, थ्रस्टी, थ्रस्टी का मतलब होता है प्यासा,
वेरी टॉकेटिव मतलब बहुत बात करने वाला, बहुत बातूनी, और एट फॉल्ट यानी कि कमी में गलती में। अगला लिखिए हैप्पी। हैप्पी यानी होता है खुश, तो खुश के पीछे भी क्या नहीं आ रहा है, ना नहीं आ रहा है, तो इसमें आई एन जी नहीं जोड़ सकते। इन हरी, इन हरी मतलब जल्दी में, लिखो इन हरी का मतलब क्या हुआ, जल्दी में। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का मतलब क्या होता है, ग्रेटफुल मतलब होता है आभारी, कृतज्ञ, नमक हलाल, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एहसानमंद, एक तरह का ग्रेटफुल से। रिलायबल मतलब होता है भरोसेमंद, और ग्रेटफुल मतलब होता है एहसानमंद। अब ग्रेटफुल के और क्या क्या मीनिंग हो सकते हैं, ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी हूँ, ग्रेटफुल मतलब हो गया आभारी, ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञ भी होता है, ग्रेटफुल मतलब क्या होता है एहसानमंद, या और ग्रेटफुल का मतलब नमक हलाल भी होता है, नमक हलाली यानी कि एहसानमंद, ठीक है, यानी जो आपका नमक खाता है तो उसका वापस एहसान चुकाता है काम करके, ठीक है, तो उसे कहते हैं ग्रेटफुल। फिर डिलीजेंट का लिखिए, डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती, क्या होता है मेहनती, जो ज़्यादा मेहनत करता है वो मेहनती कहलाता है, क्लियर। फिर उसके बाद रेस्टलेस, रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन, जिसको चैन नहीं पड़ता है वो क्या है, बेचैन, बेचैन, बेचैन। अब बेचैन का मतलब क्या हो गया आपका, रेस्टलेस, ठीक है। और एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी, महत्व, ये देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे, महत्वाकांक्षी, इस तरह से महत्वाकांक्षी यानी कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है, उम्मीद रखता है, महत्वाकांक्षा रखता है, एम्बिशंस रखता है, उसे एम्बिशियस कहते हैं, एम्बिशियस पर्सन होता है यानी कि महत्वाकांक्षी। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, आप फिर से एक बार चेक कर लीजिए, रिलायबल, भरोसेमंद ये विश्वसनीय, हंगरी भूखा, थ्रस्टी प्यासा, वेरी टॉकेटिव बहुत बातूनी, एट फॉल्ट गलती में, हैप्पी खुश, इन अ हरी जल्दी में, ग्रेटफुल आभारी, डिलीजेंट मेहनती, रेस्टलेस बेचैन, एम्बिशियस महत्वाकांक्षी। तो इस तरह के ये कुछ वर्ड हैं, तो आप इनमें आईएनजी हम जोड़ सकते हैं नहीं जोड़ सकते हैं, इनमें आईएनजी नहीं जोड़ सकते, क्यों, क्योंकि ये वर्ब नहीं है, और वर्ब नहीं है तो आईएनजी नहीं जोड़ेंगे, तो आईएनजी नहीं जोड़ेंगे तो रहा रही रहे भी नहीं निकालेंगे, केवल हम क्या करेंगे, इस एम इस आर से हैं हूँ ये ही निकालेंगे, क्लियर। तो चलिए पहले आई से प्रैक्टिस कर लेते हैं इनको, मैं यहाँ से इसको उठा रहा हूँ, आई एम रिलायबल, मैं भरोसेमंद हूँ, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ, आई एम वेरी टॉकेटिव, मैं बहुत बातूनी हूँ। देखिए इस तरह से हम आई एम लगा के इनको जोड़ते हैं, आई एम रिलायबल, मैं विश्वसनीय हूँ, तो ये बना कैसे, यहाँ से आपको उठाना है, आई एम रिलायबल, मैं विश्वसनीय हूँ, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ, आई एम वेरी टॉकेटिव, मैं बहुत बातू नहीं हूँ, कहते हैं ना लोग अपने गांव की भाषा में बोलते हैं बातुकड़िया, बहुत ज़्यादा बात करता है, बतोगड़ी, लड़की है तो बतोगड़ी, लड़का है तो बतोकड़ा, इस तरह से बात करते हैं। फिर एट फॉल्ट यानी कि गलती में, आई एम एट फॉल्ट, मैं गलती में हूँ, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम इन हरी, देखो कैसे बोलेंगे, और आई एम तो लगा नहीं है आपको, आई एम इन हरी, मैं जल्दी में हूँ, आई एम इन, आई एम ग्रेटफुल, मैं आभारी हूँ, मैं नमक हलाल हूँ,
मैं एहसानमंद हूँ, इस तरह से। आई एम डिलीजेंट, मैं मेहनती हूँ। आई एम रेस्टलेस, मैं बेचैन हूँ, मुझे चैन नहीं पड़ रहा है। आई एम एम्बिशियस, मैं महत्वाकांक्षी हूँ, इस तरह से। फिर आपको इनके साथ ही के साथ प्रैक्टिस कर लेनी। देखो यहाँ पे आप आई के साथ तो क्या आता है, एम, ही, शी, राज, माय फ्रेंड कपिल, इनके साथ इज लगा के पीछे के वर्ड बोलना है। यू आर, दे आर, वी आर, माय फ्रेंड्स आर, राज एंड कपिल आर। इज एम आर का कॉन्सेप्ट पहले ही क्लियर कर दिया था आपको, ज़्यादा इसमें आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे प्रैक्टिस करेंगे। ही इज़ रिलायबल, वह भरोसेमंद है, या वह लड़का भरोसेमंद है। ही इज़ हंग्री, वह लड़का भूखा है। ही इज़ थ्रस्टी, वह लड़का प्यासा है। ही इज़ वेरी टॉकेटिव, वह लड़का बहुत बातूनी है। ही इज़ एट फॉल्ट, वह लड़का गलती में है। ही इज़ हैप्पी, वह लड़का खुश है। ही इज़ इन अ हरी, वह लड़का जल्दी में है। ही इज़ ग्रेटफुल, वह लड़का नमक हलाल है, मतलब वह लड़का आभारी है। वह लड़का कृतज्ञ है, वह लड़का एहसानमंद है, इस तरह से आप कुछ भी बोल सकते हैं। ही इज़ डिलीजेंट, वह लड़का मेहनती है, या वह लड़का परिश्रमी। परिश्रमी और मेहनती के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, डिलीजेंट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, डिलीजेंट। तो अभी भी आपने अगर नहीं लिखा है पेंसिल से तो मैं आपको बार बार बताना चाहूँगा कि आप लिख लीजिए, क्योंकि इनके मीनिंग हिंदी में नहीं लिखे हुए हैं, इसलिए आपको हिंदी लिखनी है, बाकी सब तो हमने लिख रखे हैं। थोड़ी बहुत आपकी मेहनत के लिए हमने ब्लैंक छोड़ दिए हैं। ही इज़ रेस्टलेस, वह लड़का बेचैन है। ही इज़ एम्बिशियस, वह लड़का महत्वाकांक्षी, यानी कि महत्वाकांक्षा रखता है। इस तरह से ही, शी, राज, माय फ्रेंड कपिल, सबके साथ आप क्या लगा देंगे, इज़ लगा देंगे। इसी तरह से हम एक और प्रैक्टिस कर सकते हैं आर की। तो आर की प्रैक्टिस में हम क्या कहेंगे, देखिए आप, यू आर रिलायबल, वह लड़का, सॉरी, यू का मतलब क्या हो गया, तू, तुम या तू। यू आर रिलायबल, तुम भरोसेमंद हो। यू आर हंग्री, तुम भूखे हो। यू आर थ्रस्टी, तुम प्यासे हो। यू आर वेरी टॉकेटिव, तुम बहुत बात करते हो, या तुम बहुत बातूनी हो। यू आर एट फॉल्ट, तुम गलती में हो। यू आर हैप्पी, तुम खुश हो। यू आर इन हरी, तुम जल्दी में हो। यू आर ग्रेटफुल, तुम आभारी हो, तुम नमक हलाल हो। यू आर डिलीजेंट, तुम मेहनती हो। यू आर रेस्टलेस, तुम बेचैन हो। यू आर एम्बिशियस, तुम महत्वाकांक्षी हो। तो इस तरह से हमें क्या करना है, पीछे का सेंटेंस जोड़ लेना है, और एम इज आर कहाँ यूज़ करते हैं ये आपको देखना है। आई के साथ आपको एम ही लगाना है। हे, शी, राज, माय फ्रेंड कपिल, और भी इट, राम, श्याम, कोई भी सिंगल नेम हुआ तो उसके साथ आप इज ही लगाएंगे। इसके अलावा आप कुछ नहीं लगाएंगे, केवल इज लगाएंगे तो इज ही लगाएंगे। क्लियर। फिर यू आर, यू आर, दे आर, वी आर, माय फ्रेंड्स आर, राज इन कपिल आर, इस तरह से। आई वी यू यू, सॉरी, आई के साथ टाइम लग जाएगा, वी यू यू, दे के साथ आर लगाना है। कोई भी प्लूरल आ जाए तो उसके साथ भी आपको आर लगाना है, और पीछे वर्ब नहीं है तो आपको यहाँ पे पीछे जो है वह आई एन जी नहीं जोड़ना है, क्योंकि आई एन जी उसी में जुड़ता है पीछे वर्ब होती। वर्ब क्या होती है, जिसके पीछे ना आता। खाना पीना, रोना, सोना, धोना, उठना, जागना, इसमें कुछ एक्शंस नहीं हो रही है, ये केवल एक तरह से पर्सन के बारे में, या पर्सन कैसा है ये बताया जा रहा, तो हम इसमें आई एन जी एड नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरह से एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। रिलायबल, विश्वसनीय, हंग्री, भूखा, थ्रस्टी, प्यासा, वेरी टॉकेटिव, बहुत बातूनी, एट फॉल्ट, गलती में, हैप्पी, खुश, इन अ हरी, जल्दी में, ग्रेटफुल, आभारी, डिलीजेंट, मेहनती, रेस्टलेस, बेचैन, एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। तो ये आपको लर्न करना है, और इज एम आर के साथ जोड़ के आपको है निकालना है। नीचे एक जो प्रिंसिपल सर है, उन्होंने बहुत ही अच्छा थॉट यहाँ पे दिया था, जो हमने यहाँ पे शामिल किया।
और हम हमेशा चाहते हैं कि स्टूडेंट को बेस्टेस्ट मटेरियल, बेस्ट नहीं बेस्टेस्ट मटेरियल मिले। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन इंस्टीट्यूट वेयर टीचिंग इज एन आर्ट ऑफ साइकोलॉजी। अब यहाँ नए नए वर्ड कहाँ हैं, एन इंस्टीट्यूट, एक संस्थान, एक संस्थान, एन आर्टिकल आया है, आई से शुरू हो रहा है तो एन आर्टिकल लगाया, एक संस्थान। वेयर, अभी वेयर कहाँ आ रहा, बीच में आ रहा है, वेयर स्टार्टिंग में आता है तो कहाँ अर्थ निकलता, बीच में आए तो जहाँ अर्थ निकालना है, तो ये बाद में बताएंगे आपको। एन इंस्टीट्यूट वेयर टीचिंग इज एन आर्ट ऑफ साइकोलॉजी, टीचिंग मतलब शिक्षण यानी पढ़ाने का तरीका यानी अध्यापन, इज एन आर्ट एक कला है ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी में आपको पी साइलेंट रहता है, पढ़ा यहाँ से जाता है साइकोलॉजी। देखो आप यहाँ से जो साइकोलॉजी की स्पेलिंग आपको दिख रही है तो इसमें जो लिखा तो जाता है लेकिन पी बोला नहीं जाता, यहाँ से पढ़ते हैं साइकोलॉजी, साइकोलॉजी। तो इसमें जैसे निमोनिया की स्पेलिंग भी कहाँ से शुरू होती है, पी से शुरू होती है, तो पी को बोला नहीं जाता, लिखने में आता है, तो इसको हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, इसको हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ेंगे, पी को साइलेंट करके पढ़ेंगे साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान, मन के विज्ञान को समझते हुए, जो बच्चों की ज़रूरत है वो समझते हुए हम, हमारी एक कला है कि हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं, बच्चों का माइंड जितना होगा उसी के अकॉर्डिंग हम मेहनत करके, हम वर्क करके और पढ़ाते हैं। तो ऐसे सर ने कहा कि इंस्टीट्यूट वेयर टीचिंग इज़ एन आर्ट ऑफ साइकोलॉजी, एक संस्थान जहाँ शिक्षण एक मनोवैज्ञानिक कला है, यानी कि मन के विज्ञान को समझते हुए हम पढ़ाते हैं, जो बच्चों की ज़रूरत होती है, जो भविष्य बना सकती वही चीज़ हम पढ़ाते हैं, फालतू चीज़ हम बिल्कुल नहीं पढ़ाते। और फिर एक और लाइन यहाँ पे लिखी है, अ ब्राइट करियर अवेट्स यू रश, रश मतलब शामिल हो जाइए, एक चमचमाता या चमकीला भविष्य, सुनहरा भविष्य आपका इंतज़ार करता है, तो आपको क्या करना है, रश उसमें शामिल हो जाना है, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये इस थॉट का मतलब ये हुआ कि एन इंस्टीट्यूट वेयर टीचिंग इज़ एन आर्ट ऑफ साइकोलॉजी, एक संस्थान, एक शिक्षण संस्थान जहाँ पढ़ाई एक मनोवैज्ञानिक कला है, अध्यापन एक मनोवैज्ञानिक कला है, मन के विज्ञान को समझते हुए हम पढ़ाते हैं। अ ब्राइट करियर अवेट्स यू, एक बहुत ही सुनहरा भविष्य, एक चमकीला भविष्य आपका इंतज़ार करता है, तो आपको क्या रश होना है, उसमें शामिल हो जाना है, तेज़ी से भाग के उसमें शामिल हो जाना, ट्रेन चल रही है ट्रेन में चढ़ जाना है, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, ट्रेन आपकी छूट जाएगी। तो यही था आज के लेक्चर में, हम इतना ही पढ़ेंगे। सो टिल देन ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।